मैं आपको बताऊं, बच्चों के बिहेवियर्स इतने एबनॉर्मल हो चुके हैं कि कई माएं आती हैं और मैं सीरियसली मैं खुद भी परेशान हो जाती हूं। वो सिर्फ टेंट्रम नहीं थ्रो करते, वो अपना सर दीवार से बहुत जोर जोर से मारते हैं, फर्श पे जोर जोर से मारते हैं। और दिस इज प्रॉब्ली ये स्क्रीन्स बहुत ज्यादा जो देख रहे हैं बच्चे, वहां से ये सारी चीजें जो है वो सीख रहे होते हैं। बट दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। वो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो ये करते हैं। जब बच्चा थका हुआ होगा, भूखा होगा, बीमार होगा, अनकंफर्टेबल होगा, वो ज्यादा करेगा। और जितना उसको पता है कि अम्मा काबू आ सकती है, जैसे जैसे बच्चे की लैंग्वेज इंप्रूव होती है ये चीज वीन ऑफ हो जाती है। और बच्चे बेसिकली इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली बहुत से काम करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो ऐसे तरीके से करते हैं। ये याद रखिएगा, बच्चे को मारने के बारे में हमें खास तौर पर पता होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, व्हेन एनीवन ऑफ यू फाइट्स विद हिज ब्रदर ही शुड नॉट स्लैप हिम ऑन द फेस। हम सबको एज मदर्स पता होना चाहिए। ये जो हम बड़े आराम से बोलते हैं, देखिए मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, फिर बाज नहीं आता तो फिर मुझे लगानी पड़ती है। ये अपने हाथों को कंट्रोल करें। आपको सबर अपने अंदर लाने के लिए इंटेंसिव वर्कशॉप्स में जाना चाहिए। बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना, ये हमारा इस्लामी तरीका नहीं है, क्योंकि सिर्फ उस हदीस में आ गया कि 7 साल पे बच्चे को नमाज पढ़ो और 10 साल पे ना पढ़े तो मारो। तो ये भी तो सोचें कितना दरमियान में टाइम है, कितनी उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। पहली कोशिश ये करनी होती है कि टेंट्रम हो ना। और उसका क्या तरीका है कि बच्चे को उन चीजों पे, उन जगहों पे ना लेके जाएं, वो काम उनके ना खोलें। फोन क्यों आप निकाल के सामने देती, पहले दिन से ही ना दे। मेरा फोन पड़ा हो तो मेरा तो 25 साल का बच्चा भी नहीं उठा सकता। आई हैव टोल्ड देम दिस इज नॉट योर डोमेन, स्टे अवे फ्रॉम इट। क्योंकि हमने शुरू में पकड़ाया, अब हम परेशान हो रहे हैं। आपने 2 दफा कह दिया नो, बस बात खत्म होगी। थोड़ा सा रोएगा, उसको खिलौना दे, डाइवर्ट करें, पॉजिटिव तरीके से करें, लिमिट से दूर रखें, डिस्ट्रैक्ट करें, उसको कोई तरीके सिखाएं, आप देखेंगे बच्चा सेट हो जाएगा। टेंट्रम को हैंडल कैसे करना है? जब बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया, लेट्स से आपने उसको कहा हम मॉल जा रहे हैं, कोई जरूरी काम आपने करना था, ग्रोसरी करनी थी, आपने कहा कि हम ये चीज नहीं लेंगे, आपने बता दिया बच्चे को, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भूल भी जाता है, छोटा है, उसके अंदर भी इतना कंट्रोल नहीं है, इंपल्सिव नेचर होता है उसका, अब वो नहीं कंट्रोल कर रहा। अब आप उसको क्या करते हैं, आप अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि अब उसने कहा मुझे ये चाहिए, तो आप उस बच्चे के लेवल पे आके फर्म आवाज से कहते हैं आई एम सो सॉरी, अभी तो हम ये नहीं ले रहे। अगर आपने लेके देना है तो फिर पहले ही ले दें। आपको लगता है कि आइसक्रीम मैं खिला सकती हूँ, एक छोटा सा टॉय लेके दे सकती हूँ, छोटा सा बॉल मांग रहा है, छोटी सी चीज मांग रहा है, मैं ले सकती हूँ, तो पहले ले दे। हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। डिसिप्लिन करें, एक क्लैरिटी दें बच्चे को। अब आपने क्या किया, आपने कहा नो आई एम सो सॉरी वी कांट गेट इट, बच्चा रोना शुरू हो गया। आप चल पड़े और सिर्फ पीछे मुड़ के बच्चे से कहें आपने घर जाना है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो उसको गोद में उठाएं, चीखे मार रहे मार रहे दे, सारी दुनिया देख रही है आपको इस नजर से कि अल्लाह कैसी जालिम माँ है, तो देखने दें। दिल में वो सोच रहे हैं, दिल में उन सब माओं को आपसे बड़ी हमदर्दी है, उनको पता है इस वक्त आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप उसको गाड़ी में बिठाएं और आप ऐसे चलाएं गाड़ी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। वो चीख रहा है, चीख रहा है, आपको क्या जरूरत है उसको कहने की? आपको कोई बिल आ रहा है कि आप उसे कहते हैं मत बोलो, मत रो, इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर। घर जाके उसको कहें आ जाओ, वो कहते मैंने नहीं आना, क्योंकि ठीक है जब आना होगा तो अंदर आ जाना, गाड़ी में से उतर के अंदर आ जाए। और अगर आपको लगता है सेफ नहीं है, आप गाड़ी में नहीं छोड़ना चाहती, पूछना ही नहीं है, एक हाथ से पकड़ने अंदर ले आने, अंदर ला के उसको छोड़ के अपने काम शुरू कर दे। चीखे मारे, वो रोए, वो हंगामा करे, कुछ नहीं। जब टेंट्रम है, ऑल ऑफ यू हैव टू इग्नोर इट, एवरीवन एट होम हैज टू इग्नोर इट। और जब आप इग्नोर करेंगे, फिर अगला स्टेप क्या आ जाता है, जब आपने ये कर दिया, ये से कहते हैं आफ्टर द स्टॉर्म। अब बच्चा थोड़ी देर बाद, 15 मिनट लग सकते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, अब वो हांफता कांपता, अब वो दुखी आपके पास आता है, तो खामोश हो गया। अब खामोश हो गया, अब आप उसके पास जाएंगी प्यार के साथ। जब आपने प्यार के साथ जाना है तो वो उसको उन चीजों का रिमाइंडर नहीं देना जिसकी वजह से टेंट्रम था। क्या? अब ये नहीं कहना गोद में उठा के बेटा हम ग्रोसरी करने गए थे, हमने मॉल से ये नहीं लेना था। अब आप उसको याद दिला रही है, आपने वो बात, उस इंसिडेंट को नहीं दोबारा रिपीट करना। आपने सिर्फ उसको गोद में उठाया, उसको कहा पानी पीने, आपने स्टोरी बुक पढ़ेंगे। अगर वो दोबारा टेंट्रम की कोशिश करता है, उसको वहीं पे छोड़ के फिर टाटा बाय बाय, आप अपने काम, चाय का कप पी रही है, आराम से बैठ के चाय का कप पी है, ऐसे जैसे मौसम इतना खूबसूरत है, आप इंजॉय कर रही है, अकेली बैठी हुई है, इतनी एक्टिंग आपको आनी चाहिए। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप
टेंट्रम को सही तरह हैंडल करती हैं, टेंट्रम मिनिमाइज होते हैं। टेंट्रम को आप मिसहैंडल करती हैं, वो फैल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चैलेंज आता है। माँ कहती है जी मैं तो ये कर लूंगी, वो उसके अब्बा मुझे बार बार कहते हैं इसको देखो क्यों रो रहा है। अगर नानी दादी है वो कहती है इसको देखो क्यों रो रहा है, आप उनको एक दफा पढ़वा दें कि मैंने ये टेंट्रम्स के बारे में मैं पढ़ी, कोई किताब ले लें, मिल के पढ़ लें। अगर आपको लगता है दे डोंट एग्री विद इट, तो आप बहुत मासूम बन के कि दरअसल मुझसे तो नहीं ऐसे हैंडल होता, आप फिर हैंडल कर लें। आप देखेंगे कुछ अरसे में वो भी पागल होके आपकी बात पे ही आ जाएंगे, उनको भी समझ आ जाएगी। जब वो बच्चा आपको टेंट्रम नहीं दिखाएगा लेकिन अपने घर के बाकी लोगों को दिखाएगा, तो देन लेट देम हैंडल इट। आप क्यों उस वक्त जो है किसी से लड़ाई झगड़ा या ऐसी कोई बात करती हैं? मैंने आपको कहा था कि तरबियत के लिए हमने बहुत ज्यादा देखना है, बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाना है और वो सबर के साथ सिखाना है। दिस इज द आइडियल टाइम जिसमें आप बच्चे को सिखाएंगे कोई भी चैलेंजिंग बिहेवियर है उसको कैसे किया जाता है, वहां पे क्या किया जाता है। बच्चा करेगा नहीं, थोड़ा सा करेगा, आप ये सोचिए 1-3 ईयर में वो इंटरनलाइज कर रहा है। हम चीखते नहीं है, हम आराम से बात करते हैं, आप आराम से बोल रही हैं, आप इरिटेबल ना नजर आए। आपकी रोल मॉडलिंग हर चीज में सही होनी चाहिए। बच्चों के साथ सिचुएशंस को रोल प्ले कर लिया करें। अभी हम मार्केट जाएंगे, टॉय आपको पसंद आएगा, फिर हम क्या करेंगे, दिल भी चाहेगा नहीं आज नहीं हम लेंगे, आज हम ये करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं और लैंग्वेज स्किल्स जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करवाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, झूठ नहीं बोलना इन बच्चों से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि माएं मैक्सिमम झूठ इस एज में बोलती हैं बच्चों से। खाना खा लो नहीं तो डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगा देगा। और कौन सा झूठ बोलती हैं जरा बताएं, जिन बाबा आ जाएगा वो भी है, लिस्ट आएगी भी कौन कौन से जिन बाबे आने हैं। और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं हूं, मैं यहीं बैठी हूं, मैं नहीं जा रही, पीछे से जाते इसको पकड़ो, मैं पीछे से निकल के जाऊं। आपने जाना है कहीं, व्हाई डू यू हैव टू से मैं नहीं जा रही। You don't have to lie. You should not be lying. झूठ नहीं बोलना, हर तरह का झूठ जो हम बच्चे से बोलते हैं। हाँ अभी खाना खा लो फिर पार्क जाएंगे, पार्क जाने का 100 साल तक प्लान नहीं है। हम कहते हैं खाना तो खाए फिर देखूंगी। जो आपने करना नहीं है वो आपने कहना नहीं है। इसी तरह एक और हदीस याद रखें, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक शख्स था, जब वो उसने मस्जिद में आया नमाज पढ़ने लगा और उसका वजू सही नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा कहा, एड़ियां उसकी खुश थी, उसको कहा जाओ दोबारा वजू करो। दोबारा आया, दोबारा एड़ियां खुश थी, फिर कहा जाओ दोबारा वजू करो। और एक ही टोन, एक ही पिच। सीरत से हमें ये पता चलता है कि हमने एक ही पिच पे रहना, हम क्यों इंपेशेंट हो जाते हैं। मैं माओं को कहती हूँ कि जो एड्स हैं उन्हीं से सीख लें। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपने एड देखा और एड में आया कि देखिए हमारा डिटर्जेंट यूज करें कि आपके कपड़े साफ करेगा, दो दिन के बाद एड आया, आपने खरीदा है कि नहीं खरीदा? फिर दो दिन के बाद एड आया, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? और फिर लड़ाई झगड़ा, ऐसे थोड़ी है। वो आते हैं हंसते मुस्कुराते, हर दफा बताते हैं खरीदें खरीदें हमारा डिटर्जेंट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। आपने भी एड चलाने हैं खूबसूरती से, बच्चे को लगे कि माँ वेल प्लेस्ड है। माँ नहीं शेकी हो सकती किसी काम के लिए भी। विजुअल परसेप्शन बच्चों की बहुत स्ट्रांग डेवलप करें, अल्लाह से कनेक्ट करें। हम जो खा रहे हैं ये देखो अल्लाह की नेमत है, इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये अल्लाह के किस नाम से रिलेट होता है। नेचर को करें, हम क्या गाड़ी में जा रहे हैं हम अपने दुखों के बारे में सोच रहे हैं और बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे अपना कोई वो एक टैब पकड़ाई हुई है, उनको फोन पकड़ाया हुआ है। नेचर से, अल्लाह की कायनात से जोड़े बच्चों को उस वक्त। इवन अपनी ओन बॉडी, अल्लाह ने देखो हमारी हैंड्स कैसे बनाए, अल्लाह ने हमारे हैंड्स किस लिए बनाए। बच्चे, माए कहती है बच्चे ने बैड लैंग्वेज सीख ली, अगर आपने बताया हम हैंड्स को कैसे यूज करते हैं, हम फीट को कैसे यूज करते हैं, हम आईज को कैसे यूज करते हैं, हम टंग को कैसे यूज करते हैं, कितना कुछ हम उनको सिखा सकते हैं। फिर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एल्डर्स, आपने उनको जनरली बताते रहना है एम्बेरस किए बगैर कि हम बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों का ख्याल करते हैं। एम्पथी, छोटी छोटी बुक स्टोरीज बना के, मामा उसकी सैड हो गई, उसके बाबा को ये हुआ, उसके भाई को ऐसे फील हुआ, भाई देखो वो इधर खड़े थे उनको खाना नहीं मिला था। इस तरह की छोटी छोटी बातें बच्चों को बतानी शुरू की, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। हम ये काम इसलिए नहीं करते कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, हम इसलिए ऐसे करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से ये काम किया करते थे। फिर इसके बाद
एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस बताएं उनको, क्या पहन सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे बच्चे यूजली क्या करते हैं, आपने कपड़े चेंज करे और अभी आपने कपड़े उतारे हैं तो वो फुर भाग जाते हैं, तो सारे घर वाले हंस रहे हैं, इधर से टच कर रहा है, उधर से टच कर रहा है। यू हैव टू टेल देम, फरिश्ते चले गए, रहमत नहीं होती अगर आप अनड्रेस्ड हुए हुए और आप सारे घर में भागे फिर रहे हैं और इट्स सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्यूट लग रहा है वो बच्चा, इसमें क्या क्यूटनेस है कि वो अपने आप को कवर किए बगैर। फिर मैं आपको बताऊं, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल इस एज में ये होता है, इतने वल्गर ड्रेसेस हम पहनाते हैं बच्चों को। मैंने माओं को देखा है खुद पूरे हिजाब में और बच्ची छोटी सी, वो कितनी छोटी है, मैं चाहती हूं ये सारी ख्वाहिशात अपनी पूरी कर ले, आगे जाके इसने हिजाब पहनना है, किस चीज की वल्गैरिटी की। मैं बताऊं, वहां पे मैं कोर्सेज जब करवाती हूं समर में, मेरी आंखें नहीं उठ रही होती, और एक आप वर्कशॉप अटेंड कर ले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, लग पता जाएगा आपको, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। हम कपड़े नहीं, क्यों वो सिलवाने पड़ेंगे, कौन सिलवाए, मार्केट से जाते हैं खरीदते हैं, हमें लगता है हमने अपने बच्चे को फिट इन करवाना है, हम वो उनको सातर लिबास की फील ही नहीं देते। कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता दे कि ये जो रेज है बच्चे की स्किन के लिए नहीं अच्छी, तो शायद हम कपड़े पहना लें, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है कि हम उनको क्या पहना रहे हैं, किस चीज से खेल रहे हैं, टॉयज हम कैसे दे रहे हैं, म्यूजिकल कितने हैं, उनसे क्या कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। डीप थिंकिंग के बगैर हम बस काम करते चले जा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। इसी तरह आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेक्शन का तरीका, देखिए कितना सबर आमेज था। जैसे इसमें आता है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सदके का माल आया, उनके नवासे जो थे उन्होंने लेने की कोशिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम से उनको रोक दिया कि नहीं, ये सदके का माल नहीं हम खा सकते, इस्तेमाल कर सकते। मतलब हम तो होते हैं, हमारा तो ना, हम कहते हैं मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मैं ये काम भी कर रही हूं वो भी कर रही हूं, कितनी चीजें देखूं, क्या मसला है इनका। आराम से आपने बता देना, यू हैव टू कीप एजुकेटिंग देम। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और चैलेंज हमारा ये है इंपॉर्टेंट, इस वक्त से अकीदे पे काम करें। बड़े हैरान होते हैं कि अकीदे पे इस वक्त से कैसे काम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आता है कि कहा था कि जब बच्चा बोलना शुरू करे उसकी जुबान खुले तो सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 उसको याद कराओ। इसमें सिर्फ अकीदा है, अल्लाह की वहदानियत की बात है, अल्लज़ी लहु मुल्कु समावाति वलद वलम यत्तखिज़ वलद वलम यकुल लहु शरीकुम फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फक़द्दरहु तक़दीरा। सब अकीदे की बात है। That means कि अकीदे के बारे में बुनियाद बहुत जल्दी बनाने की जरूरत है और उनको बड़ी जल्दी ये चीजें सिखाने की जरूरत है कि अल्लाह एक है और तकदीर जो अल्लाह है वो हमारे लिए बेस्ट प्लान करता है, वो आसमान जमीन का मालिक है। इसके साथ आप देखिए ये फियर्स है जो मैंने आपको कहा था, अभी आएगी लिस्ट क्या क्या फियर्स हम देते हैं, जिन भूत अंधेरा जानवर डॉक्टर। तो माँ बाप को मैं कहती हूँ देखिए आप किस चीज से डरा रहे हैं, झूठ की बुनियाद पे आप बच्चों को पाल रहे हैं, असल डर बच्चे के दिल में किस चीज का होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का, क्या रूल को तोड़ने का, क्या अल्लाह के आगे जवाब देने का, क्या क्यामत का, आखरत का। वो उस एज में जो उसकी उस वहां बीज लग रहे हैं वहां पर हमने वो डर डाल दिए जो होने नहीं चाहिए उस बच्चे में। शुरू में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की खशियत, और फिर उसके आगे आप चलें तो आप देखें कि इनके डर को भी आप एड्रेस करेंगे सही तरह। अच्छा, ये चीजें बच्चों को सिखाएं। मसलन माँ जब नमाज पढ़ रही है ना, आपने वेट करना है कि मामा नमाज पढ़ी है, अब आपको भूख लगी है, अब आपने वॉशरूम जाना है, आपको भाई ने बहन ने तंग किया, मामा नमाज पढ़ रही है, अब आपने वेट करना है, मामा नमाज पढ़ी है, आपने आगे से नहीं गुजरना। आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज कराया करें घर में बच्चों को। वो कुरान की पहचान देते हैं कैसे, बहुत सारी किताबें रखते हैं, उनको बताते हैं कि जो अल्लाह का कलाम है उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, वी डोंट ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल बुक। और फिर टीचर उनको बताती चले सारी बुक्स रखें और सबसे ऊपर अल्लाह का कलाम, तो उनको पहचान हो जाती है। इसी तरह अल्लाह के नामों की पहचान, आप अपने घर में जो इतनी डेकोरेशन की चीजें लगाते हैं, कोई एक सॉफ्ट बोर्ड रख लें जिसपे अल्लाह का नाम, अगर अच्छी खुद कैलीग्राफी है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रिंट आउट कोई निकाल लें, अच्छा से डेकोरेट करें, सामने लगाएं। बच्चे फोटो मेमोरी से पहचानते हैं, तो हम इनको बारबी की पहचान, तो फलां टॉय की पहचान, तो कमरे हमारे थीमेटिक चल रहे हैं उसी तरह फ्रोजन पे और फलां पे और उस पे,
जो पहचान इस उम्र में बच्चों को देने चाहिए, इतने हम खुश होते हैं आपका लंच बॉक्स इस फलां थीम का है और इस थीम का है, लेकिन वो थीम्स नहीं बनाते जो जरूरी हैं। इन हैबिट फॉर्मेशन ईयर्स में आपने क्या करना होता है, बच्चे को आपने कपड़े भी पहनाने, आप लाउड थिंकिंग क्या करें, पहले हम बिस्मिल्ला पढ़ते हैं, फिर हम राइट हैंड, पहले हम शर्ट पहनते हैं, अच्छा हम तीन सांस में पानी पीते हैं, मतलब हर चीज आप उनको सुन्नत के मुताबिक आसानी से करवा सकते हैं। जूती कौन सी पहले पहनते हैं, कौन सी उतारते हैं, किस हाथ से हम कौन सा काम करते हैं। मैं फिनिश करूंगी विद अ स्मॉल स्टोरी। एक वैली थी और उस वैली में दो लड़कियां रहती थी, उनको बहुत शौक था बहुत सारी चीजें सीखने का। वहां ऊपर हिल टॉप पे एक बुजुर्ग रहते थे, तो वो बहुत सारे सवाल लेकर बुजुर्ग के पास जाया करती थी और उनको पूछा करती थी, वाइज मैन टेल मी दिस, वाइज मैन टेल मी दैट, और वाइज मैन उनको कोई ना कोई चीज बता देते थे। तो उनको बड़ा चैलेंज लगता था कि हम जब भी उन बुजुर्ग के पास जाते हैं उनके पास हर चीज का जवाब होता है। एक दिन उन्होंने क्या किया कि वहां तितलियां बहुत थी, तो उन्होंने तितली पकड़ी, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं वाइज मैन के पास जाते हैं और हाथ में वो तितली रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें बताएं ये जो तितली है इज इट डेड और अलाइव। अगर वाइज मैन ने कहा कि जिंदा है तो हम तितली तो ऐसी जरूर सा दुबाएंगे उसी वक्त, तो वो मर जाएगी, हम कहेंगे देखें ये मरी हुई। अगर वो कहेंगे मर गई है तो हम उसको रिलीज कर देंगे, हमने उसको लूजली पकड़ा होगा तो वो जिंदा होगी। तो वो वाइज मैन के पास गए, उन्होंने कहा जी ये तितली है इज इट डेड और अलाइव। तो वाइज मैन ने थोड़ी देर सोचा, अकलमंद इंसान सोच के जवाब देता है, और उन्होंने थोड़ी देर सोचा और कहा इट्स इन योर हैंड्स। तो ये जो बच्चे है ना, ये इस नाजुक सी तितली की तरह है, इस नाजुक सी तितली की तरह है हमारे हाथ में। हम चाहें तो इनकी पर्सनैलिटी को शुरू के सालों में कंप्लीटली क्रश कर दें, और हम चाहें तो हम इनकी इस तरह से नश्वनुमा करें कि ये खूबसूरत तितलियों की तरह हमें ही हमारी आंखों की ठंडक बनेंगे। तो पहले जो इनिशियल ईयर्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इनमें इन पैरामीटर्स के मुताबिक खूब भरपूर हिस्सा डालें, खुशी के साथ डालें, वेल प्रिपेयर्ड इस एज ग्रुप में जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें और बच्चों पे इन्वेस्ट करें, ताकि आप बहुत अच्छे अंदाज में इनको पाल कर आगे चलें, और फिर आप देखें इनकी ग्रूमिंग आप फर्दर इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।